बेगम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। अच्छा जी, आज हम जो है फ्राइडे है तो जल्दी उठ गए हैं, तो आज स्पेशल मूड हो रहा था कुछ। काफ़ी दिन से ना थोड़ा डाइट कर रहे हैं, वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा। आई थिंक हो जाए। एनीवे, तो आज कोशिश ये की जा रही है कि थोड़ा सा पार्टी शार्टी का मूड बनाया हुआ है, तो आज ना घर में मैं सोच रहा हूँ कि देसी फूड ट्राई किया जाए। तो देसी फूड ये है कि हम आज आपको दिखाएंगे कि हम साग कैसे बनाते हैं। और हाँ, खाने का तो तरीका सबको आता ही है, लेकिन फिर भी हम दिखाएंगे ज़रूर कि हम लोग उसको कैसे खाते हैं और क्या टेस्ट है उसका। चले आए, आपको ले चलते हैं किचन में। सो किचन में हम लोग आ चुके हैं, अपने डर्टी किचन में आ गए हैं। सो देखते हैं कि जहाँ पे मैंने तैयार करके रखा है, ये हमारा साग है आज जो मैं बनाने वाला हूँ, और इसको मज़े से खाने वाला भी हूँ। सो साग किस किस को पसंद है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा, अगर ठंड है, दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर में ये चीज़ें खाई जाती हैं। ये वैसे भी पंजाबियों की सौगात है, और पंजाब की सौगात। ये माशाल्लाह मकई का आटा है, ये गूंद के रखा हुआ है। अभी इसकी बनाएंगे रोटी, आपको लाजमी दिखाएंगे इसमें खूब सारी। और ये हमारा ओलपर का देसी घी, वो घर में हमारे सारा देसी घी खत्म हुआ हुआ था, तो मैंने सोचा कि बाजार से क्यों ना मंगाया जाए। तो ट्राई कर रहे हैं, इसके बारे में भी रिव्यू देंगे ये कैसा होता है, तो आप लोग भी सब ट्राई कर सकते हैं। तो कोशिश यही होती है कि घर की खालिस चीज़ें खाई जाए, लेकिन आजकल थोड़ा सा टाइट है घर में देसी घी। बच्चे वगैरह माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो सर्दी है, तो जो निकलता है देसी घी वो बच्चों के ऊपर ही लग जाता है माशाल्लाह से। सो अभी ये ट्राई करेंगे। अभी मैं फर्स्ट ऑल जो करने लगा हूँ वो ये है कि इसमें जो लहसुन अदरक मैंने लिया है उसका मैंने इसको छील के इसमें डाल दिया है। इसको चट्टू वट्टा बोलते हैं थिंक पंजाबी में हमारे, तो इसको हम मैं कूटूंगा ज़रा ऐसे ऐसे करके। देखें जी, ज़बरदस्त हो गया। अंदर से भी आपको थोड़ा सा कूट के मैं दिखाता हूँ कि इसकी क्या पोजीशन है। देखें जी, ये माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसका जो हम ना इसमें तड़का लगाने वाले हैं, तो तड़का देसी घी का होगा, लाजमी बात है, तो तभी इसका टेस्ट निकलेगा। तो तब तक इसको हम अच्छी तरह भूनते हैं। आवाज़ आ रही होगी, और माशाल्लाह खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त है। अभी से ही जो है ना मुझे भूख लग गई है, मैं क्योंकि 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ इसका कि मैं कब तैयार करूँ। मैं आज फ्राइडे है बेसिकली, तो मैंने कहा पहले हम तैयार हो जाएं, तो फिर इसके साथ शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट की। आज एक फंक्शन में भी जाना है, तो कोशिश यही है कि घर से खाना खा के जाया जाए, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि घर से नहीं खाते, कहते हैं फंक्शन में खाना है तो आज सारा दिन भूखे रहो, तो बाहर जाके खाएंगे। लेकिन आप लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि घर का खाना खाना चाहिए बजाय बाहर का, क्योंकि हम लोग भी बाहर आप वीडियोस देखते हैं, काफ़ी फूड्स खाते हैं बच्चे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बच्चे खाते हैं। तो आई थिंक ये जो है पिस गया है अच्छी तरह, तो अब हम इसका दूसरा सेटअप स्टार्ट करते हैं कि हम साग को फ्राई पैन में डाल के, ये फ्राई पैन मैंने रख लिया है। सो अब मैं अपना जो है ना बैक कैमरा खोलूँगा, फ्रंट कैमरे से मैं वीडियो बंद करता हूँ। ये माशाल्लाह घी खोला है, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है ये, मुझे खुशबू बहुत आला आ रही है। तो जो जो देख रहा है आई थिंक उसके मुंह में पानी तो आ रहा होगा, लेकिन ये 1 हफ्ते की डाइट के बाद हम लोग ये चीज़ खा सकते हैं, ये याद रखें जो आजकल का दौर चल रहा है। ये देसी घी डाला इसके अंदर, आहा आला ज़बरदस्त हो गया ये। लोग बड़ी वीडियोस देखते हैं माशाल्लाह उसकी, मैं देखता होता हूँ अक्सर, वो जीला साहब जो बना रहे होते हैं फूड, तो ये भी हम उसी टाइप का बना रहे हैं। और ये लेकिन हफ्ते में एक आध दफ़ा आप खा सकते हैं, डेली नहीं खा सकते ये चीज़ें। सो ये देसी घी इसमें डाल दिया, क्या ज़बरदस्त मेल्ट हुआ है जी, बेहतरीन हो गया। इसमें हम अब डालने लगे हैं अपना लहसुन अदरक का पेस्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसमें से निकालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने बड़ी मेहनत से घूटा है अभी, और इसमें डालने के लिए, ये तड़का लगाने के लिए ना हम इसको, हाँ, ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। इसकी चीटें भी पड़ सकती हैं, तो ध्यान से करो। सो इसको अपने ज़रा कपड़े बचा के करें, क्योंकि मैं आज तैयार हो गया, फ्राइडे है, जुम्मा पढ़ने जाना था, आप लोगों के लिए मैंने कहा ज़रा थोड़ी सी मेहनत कर लूँ। माशाल्लाह इसको थोड़ा सा भून के जो है इसमें साग डालेंगे।
है, ये तड़का है। तड़का आपको पता है टेस्ट असल से आपका जो है इसी से आना है, ये घी और इसमें जो लहसुन अदरक हमने मिक्स किया। तो अब आई थिंक ये ब्राउन हो चुका है थोड़ा थोड़ा, तो इसके अंदर ना हम अब डालेंगे साग। तो चले साग डालते हैं इसके अंदर। सो साग अब हम डालने लगे। माशाल्लाह जी, साग हमने जो है कल ही रात को बना लिया था, क्योंकि वाइफ ने ये मेरी बनाया है, उन्हें पता था कि मैंने खाना, तो मैंने कहा ये बाकी का सिस्टम मैं खुद करूँगा। सो वन टू थ्री, आई थिंक ये इनफ है मेरे लिए अकेले के लिए। सो क्या खुशबू आ रही, ज़बरदस्त। हाँ 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 हाँ, इसमें अगर घर का देसी घी इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि वो ख़त्म हुआ हुआ है। तो लेकिन इस घी की भी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, तो इसको हम अच्छी तरह बना लेते हैं। जब तक ये इसको हल्की आँच कर देते हैं, थोड़ी सी मज़ीद ऑलरेडी हुई हुई है, और इसको हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अपना जो है ना पानी जो है इसका खुश्क हो जाए और साग का अपनी शक्ल जो है टेस्ट आ जाए। तब तक हम जाते हैं मकई की रोटी की तरफ। अच्छा, ये हमारा मकई का आटा, इसमें से हमने पेड़ा लेके एक वो बना लिया। वो थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, तो मैंने थोड़ी सी हेल्प ली है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये तवे पे माशाल्लाह वो डाल ली हमने मकई की रोटी भी, तो ज़बरदस्त। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। आई थिंक जो देख रहे होंगे वीडियोज़, उनका भी दिल ललचा रहा होगा, जो शौकीन है इस चीज़ के। सर्दियों की सौगात है ये, तो खा के बताएंगे अभी आपको। लेकिन हम अभी मकई की रोटी की तरफ हैं, तो इसको देखते हैं कैसे बन। इसमें भी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा देसी घी मज़ीद ऐड करें। और यार खाओ पियो खड़ा रोज़ खाना होता, याशी करनी चाहिए लाइफ में। रोटी मारी माशाल्लाह, मैंने इस पे घी लगा दिया, चेक करें जी। आ हा हा हा, ज़बरदस्त, फुल मज़े आने वाले हैं आज मुझे, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो इसमें देसी घी डाल दिया। अब इसको हम थोड़ी सी ना नीचे ही, क्योंकि चिपक जाती है, तो स्पून दूसरा चेंज करेंगे। साग देखें, साग में मैंने थोड़ा सा और घी डाला जी, सबको बता दे, क्योंकि थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा था। ये देखें जी, ये थोड़ी सी इसके साथ चिपक ना जाए, इसलिए हमने ये इसको ऐसे कर दिया। और इस पर ये देखें, हाँ क्या तय आई है, ज़बरदस्त किस्म की, बेहतरीन हो गया। ये देखें जी, बुलबुले मार रहे हैं, गर्म हो गया। इसको थोड़ा सा हम जो मिक्स करेंगे, मज़ेदार। और ये शुएब वगैरह होते हैं ना, और खाते हुए बोलते हैं मज़ेदार मज़ेदार। तो आज मैंने उनको वीडियो में नहीं दिया, मैंने कहा मैं खुद बोलूँगा मज़ेदार है या नहीं है, वो खा के बताएंगे। तो भी ऑनेस्ट मैं सच सच बताऊँगा कि क्या टेस्ट है। साग आ गया, रोटी आ गई, बहुत भूख लग रही थी। यकीन करें कि मैं क्या शक्ल दिखाऊं, देखना चाहते हैं आए। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, रोटी देखें मैंने कितनी ज़बरदस्त बनाई है, अपनी लाइफ में पहली दफ़ा बनाई है और ज़बरदस्त बनी है। और क्या देसी घी की खुशबू आ रही है, मज़ा आने वाला खूब। रेहान यार, आज जल्दी आ गए हो, खाना चाहोगे मेरे साथ? है नहीं, आप पिज़्ज़े वाले बच्चे हो, ये साग वगैरह कब पसंद आ रहा है आपको, खाना है? आ जाओ यार, खा लो मेरे साथ। अच्छा एनीवे, हम लोग इसको टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं आपको कैसा टेस्ट है। आ जाए इधर से पकड़ते हैं कैमरा, और ये माशाल्लाह तोड़ेंगे हम यहाँ से थोड़ी सी। मेरे तो मुँह में पानी आ जा रहा है, और जो देख रहे होंगे उनका क्या हाल होना। बिस्मिल्लाह, बहुत गर्म है जी। ये थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर, बाइट लेते हुए देसी घी, जब इसका अलग ही टेस्ट होता है जी। हमारे पुराने ज़माने में हमारे बुज़ुर्ग लोग बहुत खाते थे, लेकिन वो हार्ड वर्किंग करते थे इसको कंज्यूम हज़म करने के लिए। हम लोगों ने सारा दिन टेबल पे बैठे रहना, तो देखते हैं खा के कैसा। बिस्मिल्लाह, यार रेहान क्या बताऊँ, मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी है। सो बहुत ही मज़ा आ गया, मुझे से तो कंट्रोल नहीं होने वाला, मैं ब्लॉग बंद कर रहा हूँ। सो कैमरे में आ हा हा हा, कैमरा पकड़ना ही बड़ा मुश्किल है जी एक बंदे के लिए।
अच्छा, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। हमारी साग की रेसिपी कैसी है और ये सब्जियों की सौगात होती है, आप लोग भी अपने घरों में ट्राई करें और कोशिश करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अक्सर लोग वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए होती है, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। कॉमेंट्स करके बताइएगा कैसा लगा आज का हमारा एच के फैमिली का साग। तो अगली वीडियो तब तक बनती नहीं है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।